पचपाड़ के वार्ड नंबर 8 के निवासियों द्वारा बुनियादी सुविधाओं को लेकर किया गया मीडिया से प्रदर्शन। मीडिया के माध्यम से बताई गई अपनी समस्याएं। वार्ड नंबर 8 पचपाड़ क्षेत्र के बाहरी इलाकों में आता है। माताजी बाग से सरकनिया रोड स्थित वार्ड नंबर 8 लगभग 20 से अधिक घरों की बस्ती है, जहां 70 से अधिक वोटर निवासरत हैं। वार्ड निवासी सिद्धिलाल और सुदान सिंह व लालीबाई आदि ने बताया कि बस्ती के नगर पालिका क्षेत्र में होने के बावजूद यहां के निवासियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है। वार्ड से पार्षद मुकेश मालिक को यहां के निवासियों द्वारा केवल चुनाव के समय ही देखा गया था। चुनाव के बाद किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ के हालातों का जायजा नहीं लिया गया। यहाँ के सभी निवासी 20 से अधिक वर्षों से यहाँ से निवासरत हैं, जिसके बाद भी बस्ती के आमजन व बच्चों को पढ़ाई व चिकित्सा सुविधाओं के लिए पचपाड़ जाना पड़ता है। वहीं बस्ती को पचपाड़ से जोड़ने वाला एकमात्र मार्ग भी पूरी तरह से कीचड़ से भरा हुआ है, जिससे निकलने में राहगीरों को परेशानी तो होती है, साथ ही कई बार दुर्घटनाओं का भी शिकार होना पड़ता है। वहीं वार्ड निवासी द्वारा मीडिया के माध्यम से प्रशासन से पक्की सड़क, अस्पताल, प्राथमिक विद्यालय, शौचालय, पक्के मकान जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया। बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, पचपाड़, राजस्थान से खबर। आप देख रहे हैं बीपी न्यूज राजस्थान में, किशोर तंवर भवानी मंडी राजस्थान से। भवानी मंडी के वार्ड नंबर 8 का ये इलाका है और यहाँ तो इस तरफ जो है लगभग 70-80 घरों की बस्ती है जहाँ रास्ता सही। ने मकान बेची है हमको, ने लेटरिन बाथरूम हमको, ने स्कूल हमको, ये होना चाहिए, हमको सहायता होनी चाहिए। या तो सरकार आपकी तरफ, सरकार आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, मतलब है, तो आप मतलब भवानी मंडी की नगर पालिका क्षेत्र में आते हैं? हाँ, नगर पालिका में आते हैं, पचपाड़ में। अच्छा अच्छा, जी जी, ठीक ठीक। समस्या क्या क्या है पहले तो बताओ। हमारी समस्या देख लो ना, ऐसे और यहाँ कीचड़ में गड़ रहा है, तो रोड भी नहीं है हमारे, और मकान भी नहीं आया, कुछ भी नहीं, हमारी सुनवाई नहीं कर ना, स्कूल भी नहीं, हमारा बच्चा जाता है वहाँ पढ़वा के सोच कर। जी जी, हाँ जी, आपका शुभ नाम? सिद्धिलाल जी नाम, सुदान नाम है मेरा। वार्ड नंबर 8 में आते हैं हम जी। यहाँ से 70-80 घर की बस्ती है जी, 70-80 वोटिंग है, 30 घर के लगभग है यहाँ पे, और बच्चे हैं, मतलब पानी भर जाता नाले में, आने जाने में बहुत परेशानी।